दोस्तों, सभी लोग मेरी तरह सफेद बालों को ग्रेसफुली कैरी कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। हम में से 99% लोग ऐसे होते हैं जो पहला सफेद बाल दिखते ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और उन्हें किस तरह से रिवर्स किया जाए इसके बारे में सोचने लगते हैं और बहुत सारे प्रयास करना शुरू कर देते हैं। कुछ को इन प्रयासों में बहुत अच्छी मदद मिलती है, लेकिन कुछ लोग इन प्रयासों में असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बार फेड अप हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। बुढ़ापा या बालों का सफेद होना हमारी प्रकृति का एक नियम है जो एक ना एक दिन होना ही है। तो अगर आप उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लें, आप उसे एक्सेप्ट करके उसके साथ जीना शुरू कर दें, खुश रहना शुरू कर दें, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आपको आपके सफेद बाल परेशान करते हैं, सो डेफिनेटली आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकृति ने आपको सफेद बाल दिए हैं, उसी प्रकृति ने इन सफेद बालों को वापस से नेचुरली काला करने का तरीका भी दिया है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे DIY एक ऐसे ऑयल के बारे में जो आपके बालों को, अगर आप उसे लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो वापस से काला कर देगा और काला करने के साथ साथ ये आपके बालों को चमक देगा, ये आपके बालों को मजबूत करेगा और सबसे बड़ी बात कि ये आपके बालों को रीग्रोथ करने में भी आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर कि अगर आप भी अपने बालों की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हैं एंड विशेषकर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन इसे करने के लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स जरूर करने होंगे। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे, ऐसे व्यूअर्स होंगे जो मुझे नहीं जानते हैं, वो डेफिनेटली यहां पे कमेंट करने वाले हैं, सर पहले खुद के तो काले कर लो। अरे भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने यही कहा कि आप जब उसे एक्सेप्ट कर लो और जब आप अपने सफेद बालों के साथ एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, सो डेफिनेटली आपको काला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं अपने सफेद बालों के साथ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुली एंजॉय कर रहा हूं। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो ये नुस्खा अपनाइए। चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सफेद बाल होना नेचुरल है, लेकिन एज की वजह से जब बाल सफेद हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देते, लेकिन बहुत बार एज से पहले भी हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। ये देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों में भी बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है उनकी डाइट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी, पोषक तत्वों की कमी की वजह से वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आने लगे हैं, जिसकी वजह से समय से पहले ही उनके बाल पक के सफेद होना शुरू हो जाते हैं। सो ये नुस्खा आप 3 साल के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के बुजुर्ग व्यक्ति को इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब इस तेल को बनाने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, तो सबसे पहली जो चीज दोस्तों हमें इस DIY ऑयल को बनाने के लिए चाहिए, वो है सरसों का तेल। मैं हमेशा बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपसे बात कर चुका हूं कि बालों में लगाने के लिए सरसों के तेल से अच्छा कोई ऑयल हो नहीं सकता, क्योंकि सरसों के तेल के अंदर आज भी वो बहुत सारे पोषक तत्व महफूज हैं जिनकी कि हमारे बालों को स्ट्रांगनेस देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, सिल्कीनेस देने के लिए जरूरत है। सो मेक श्योर कि आप यहां पर सरसों का तेल का इस्तेमाल करें। बट किसी रीजन की वजह से अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में आप यहां पर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमें यहां पर दोनों में से कोई भी एक ऑयल लेना है 200 ml, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि सरसों का तेल ज्यादा प्रेफरेबल होगा। दूसरी जो चीज दोस्तों हमें इस तेल को बनाने के लिए चाहिए, वो चाहिए मोरिंगा लीव्स पाउडर, जिसको कि हम सहजने की पत्तियों का पाउडर कहते हैं। हमने देखा है कि जो साउथ इंडियंस हैं, वहाँ पर उनके बाल बहुत लंबे समय तक काले रहते हैं, मजबूत भी बहुत रहते हैं, घने भी बहुत होते हैं, और उसके पीछे रीज़न है उनका खाना। उनके खाने के अंदर ड्रम स्टिक, जो उनके यहाँ सांभर बनता है, उसमें ड्रम स्टिक बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती है, मतलब कि जो मोरिंगा स्टिक्स जो होती है, जिसको कि हम सहजने के पेड़ में उगने वाली जो फलियाँ होती हैं वो भी कहते हैं, वो बहुत होती हैं, जिसकी वजह से उनके बालों को प्रॉपर अमाउंट ऑफ मेलानिन को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जिससे बाल काले होते हैं। सो
हमें यहां पर सहजने की पत्तियों का पाउडर लेना है लगभग 2 चम्मच के आसपास। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने सरसों का तेल लिया है जिसे अच्छे से गर्म किया है, और गर्म करने के लिए मैंने यहां पर लोहे की कढ़ाई यूज की है, क्योंकि लोहे में जो आयरन होता है वो आयरन भी आपके इस तेल को कलर देने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। सो लोहे की कढ़ाई में 200 ml सरसों के तेल को डालने के बाद धीमी आंच पर अच्छे से गर्म होने दीजिए। जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 चम्मच मोरिंगा लीव्स पाउडर आप ऐड कर दीजिए। जब ये 1 या 2 मिनट के लिए और धीरे 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 बॉईल होने लगे, अब इसके अंदर आपको जो दूसरी चीज ऐड करनी है वो है दाना मेथी का पाउडर। फेनुग्रीक सीड पाउडर जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रूवन है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए। इसीलिए ही आप देखते हो कि दाना मेथी का बालों के लिए टोनर बनता है, हेयर पैक बनता है, और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो हमें दाना मेथी के कैप्सूल्स देते हैं जो कि हमारे बालों की स्ट्रेंथ को बढ़ा करके उसकी डेंसिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। सो लगभग 2 टेबलस्पून हमें यहां पर दाना मेथी का पाउडर डालना है। दाना मेथी को आपको प्रॉपर जो दाना होता है वो नहीं डालना, पाउडर बना के ही डालें, क्योंकि पाउडर बनने के बाद उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं, जो सरसों के तेल में बहुत इजीली यहां पर मिल जाएंगे। सो इसे मिला करके अच्छे से फिर से उबलने दीजिए, गर्म होने दीजिए। अब इसके बाद आपको इस तेल में मिलानी है तीसरी चीज, जो है आंवला पाउडर। आंवला जो है उसके अंदर विटामिन सी होता है, और आंवला हमने देखा है कि कुछ दिनों बाद ऑक्सीडाइज होकर के काला हो जाता है, जिसकी वजह से ये तेल हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कलर देने में हमारी मदद करेगा। सो मेक श्योर कि आप इस आंवला पाउडर को भी यहाँ पर ज़रूर डालें, किसी भी तरह से आप इसे कोई भी इंग्रेडिएंट यहाँ पर स्किप नहीं करें। आंवला पाउडर भी लगभग हमें यहाँ पर 10 ग्राम डालना है ताकि हमारे बालों को ये प्रॉपरली कलर दे सके, कंडीशनिंग इफेक्ट दे सके। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इस तेल को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है वो है मेहंदी पाउडर। अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि मेहंदी तो हमारे बालों को लाल कर देगा। नहीं दोस्तों, क्योंकि मेहंदी के साथ आपने यहाँ पे आंवला, दाना मेथी और जो मोरिंगा लीफ पाउडर यूज किया है वो आपके बालों को लाल नहीं होने देगा, बल्कि मेहंदी की वजह से आपके बालों को बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं, जिसकी वजह से आपका बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की आपको नजर आएगा। सो इन चारों चीज़ों को लगभग 2-2 टेबलस्पून आप अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से उबलने दीजिए, इस तेल को अच्छे से खोलने दीजिए, ताकि जो आपका तेल है उसके अंदर इन चारों चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिक्स हो जाएं, अच्छे से इमर्ज हो जाएं। अब इमर्ज होने के बाद में आपको इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद इसे 24 घंटे के लिए ढक करके रख देना है। 24 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो आपको अब ये तेल जो जनरली पहले येलो एंड ब्राउनिश दिख रहा था, अब आपको पूरी तरह से काला होता हुआ नजर आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस काले तेल को अच्छे से चम्मच से मिलाइए और एक छलनी की मदद से आप इसे छान लीजिए। छानते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो लास्ट में जो थोड़ा सा सॉलिड पार्ट, जो पाउडर जितने हमने डाले हैं वो बच जाता है, तो उसको आपको फेंकना है। लेकिन जब तक आप इसे छान पा रहे हैं, जितना तेल आप इस छलनी से निकाल पा रहे हैं बिल्कुल निकाल लीजिए। अब आपका बालों को ये काला करने वाला जो तेल है ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। इस तेल को अच्छे से आप एक बॉटल में भर करके रख लीजिए, लेकिन जब भी आप इसे लगाते हैं हमेशा आप इसे ग्लव्स पहन के लगाएं, क्योंकि इसके अंदर जो कालापन है वो आपके हाथों में आपकी स्किन पर ना आ जाए, आप ध्यान रखें। सो ग्लव्स पहन करके ही आपको इसे लगाना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इसको पहले मिला लें, ताकि जो पाउडर के जो एलिमेंट्स जो नीचे सेटल हो गए हैं वो अच्छे से इस तेल में मिल जाएं, और आप जब उसका एप्लीकेशन करें तो आपके तेल के साथ साथ वो आ जाएं। अब आपका सवाल आएगा कि इसे हमें लगाना कब कब है। तो इसे आप हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार आप लगाइए। रात को सोते समय लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सोने से पहले आप अपने बालों में कोई कॉटन का कपड़ा या शावर कैप जैसा लपेट लें, ताकि आपके पिलो कवर्स या बेडशीट्स खराब ना हो, और सुबह उठ करके किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप यहाँ पर वॉश कर लीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर हमें इससे कितने दिनों में रिजल्ट्स मिलेगा। देखिए, नेचुरल रेमेडी है, कोई डाई कोई कलर आप यहाँ पर नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इसे 2 से 3 महीने इवन 4 महीने तक भी लगातार करना है, तो आपके बालों में आपको इसका कलर दिखना शुरू होगा, और उसके बाद भी हफ्ते में 2 बार अपने बालों पे आप इसे जरूर लगाते रहिए। 3 साल के बच्चे से लेकर के आप किसी भी एज ग्रुप के बुजुर्ग आप इसे लगा सकते हैं। 6 से 8 महीने के लिए आप बना करके भी रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आंवला है, सरसों का तेल है, उसकी शेल्फ लाइफ अपने आप में बहुत ज्यादा होती है।
अब लास्ट जो चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा वो ये कि जब भी आप इसे लगा रहे हैं हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम 3 घंटे तो जरूर छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रात को नहीं लगाएंगे दिन में लगाएंगे, तो उसे 3 घंटे एटलीस्ट आप जरूर छोड़ें ताकि आप अपने बालों पर इस तेल को काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड समय है वो उतना दे सकें। सो मेक श्योर कि इसे जरूर बनाइए, लगाइए और फिर मुझे बताइए कि आपको इसकी वजह से क्या कुछ बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है सो एक लाइक का बटन दबा करके मेक श्योर कि हमें मोटिवेशन जरूर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कर दें, और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सो हमें फॉलो जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।